लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। राहुल गांधी की पीएम मोदी को झप्पी भुनाने में लगी कांग्रेस, लगे पोस्टर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई प्यार की झप्पी को अब पार्टी ने लोगों के बीच भुनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए कांग्रेस ने जगह जगह पोस्टर लगाने भी शुरू कर दिए हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर भी राहुल की प्यार की झप्पी के सहारे वोट बैंक तैयार करने की तैयारी शुरू हो गई है। खास बात यह है कि लोकसभा में राहुल गांधी की उस बात को पोस्टर में टैग लाइन के साथ इस्तेमाल किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि नफरत से नहीं प्यार से जीतेंगे। कल ही पीएम मोदी ने अपनी यूपी रैली में राहुल की झप्पी को गले पड़ना बताया था। उन्होंने कहा कि जब उनसे अविश्वास का कारण पूछा गया तो वे गले ही पड़ गए। वहीं कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर दादागिरी बनाम गांधीगिरी का भी नारा दिया है। बता दें कि पीएम को दी गई राहुल गांधी की झप्पी की भाजपा जहां आलोचना कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी और एनसीपी के शरद पवार ने सही बताया है। इनकी दलील है कि राहुल के गले मिलने से लोगों के बीच मोहब्बत का संदेश गया है। आपका कहना है जब पीएम दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को गले लग सकते हैं तो राहुल का अपने पीएम से गले मिलना गलत कैसे हो सकता है। दरअसल राहुल की पीएम मोदी की झप्पी ने सोशल मीडिया में भी हलचल मचा दी है। यह विषय अब चर्चा का विषय बन गया और इसके पक्ष विपक्ष में खूब कमेंट्स किए जा रहे हैं। इसको लेकर कार्टूनों और व्यंग्यों की बाढ़ भी आ गई है। यही वजह है कि राहुल की इस झप्पी को कांग्रेस अब सड़क पर ले आई है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने तो बाकायदा सड़क पर राहुल की मोदी से गले लगने वाली फोटो के साथ पोस्टर लगवाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल लोकसभा में राहुल गांधी ने जोरदार भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, आप मुझे पप्पू बुला सकते हैं, आप मेरे लिए जैसे चाहे अब शब्दों इस्तेमाल कह सकते हैं, लेकिन आपके लिए मेरे मन में जरा सी भी नफरत नहीं है, हम आपके गुस्से को प्यार में बदलेंगे, मैं कांग्रेस हूँ। इसके बाद राहुल पीएम मोदी के पास गए और उनके गले मिले। हालांकि स्पीकर सुमित्रा महाजन ने राहुल के इस व्यवहार की कड़ी निंदा की।